अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आपको वेलकम करता हूं। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। यहां पे आज हम बात करेंगे एक दोस्त के कमेंट पे। उन्होंने ये कहा कि अगर मेरे पास ईयू कार्ड होता है, ये कंट्री मेंशन नहीं की, मैं फ़र्ज़ करता हूं स्पेन का, अगर उनके पास ईयू कार्ड है तो उस पर वो कहते हैं कि अगर मैं विजिट वीज़ा आयरलैंड का लगवा लेता हूँ तो फिर मैं वहाँ पर जाता हूँ, तो क्या मैं वहाँ पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करके वहाँ पर काम कर सकता हूँ। ये एक बात आप जहन में रखें कि आयरलैंड जो है वो यूरोपीय यूनियन में ज़रूर है, लेकिन शेंजन की उसने बहुत सारी शिकों को नहीं अपनाया। चंद एक को अपनाया जिसमें यूरो करेंसी शामिल है, लेकिन बहुत सारी शिकें ऐसी हैं जिस पे उसने साइन नहीं किए। इस वजह से आप आयरलैंड में ईयू कार्ड पर जाके कॉन्ट्रैक्ट अरेंज करके काम नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास लाजमी तौर पर कम से कम किसी न किसी यूरोपीय मुल्क की नेशनैलिटी होनी चाहिए, तब आप आयरलैंड में जाके लीगली काम कर सकते हैं बगैर वर्क परमिट के। लेकिन अगर आपके पास ईयू है या परमानेंट रेजिडेंसी है किसी भी शेंजन स्टेट की, किसी भी यूरोपीय मुल्क की, तो आपको वर्क परमिट लेना पड़ेगा मुल्क वहाँ पे इंटर होने से पहले। वहाँ पे जाके आप वर्क अरेंज करके सिर्फ और सिर्फ नेशनैलिटी पर कर सकते हैं। कल को अगर ये ईयू कार्ड को एक्सेप्ट करना शुरू कर देता है तब ये आप कर सकेंगे, लेकिन उससे पहले अभी फ़िलहाल ये मुमकिन नहीं है। आपको आयरलैंड में दाखिल होने से पहले वर्क परमिट अरेंज और उस पर आपको वीज़ा लगवाना पड़ेगा, तब आप आयरलैंड में जाके लीगली काम कर सकेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। अल्लाह हाफिज़।